नमस्कार, स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस सेशन में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और आज इस सेशन में आप जानेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में और इसका आज दूसरा भाग होगा, पार्ट टू होगा। और ये चैप्टर पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सविता ग्राहक मैम, जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जी, नमस्कार सर जी। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस लाइव सेशन में आप भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ प्रश्न या अपनी क्वेरीज, प्रतिक्रियाएं आप भेज सकते हैं। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप ये सेशन YouTube पर भी देख सकते हैं, NCERT ऑफिशियल पर, जहां आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और साथ ही साथ हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 8800440559, और ईमेल एड्रेस है dth.class10@cieet.nic.in। तो ये मीडियम्स हैं आपके पास हमसे जुड़ने के लिए, हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने के लिए। और लगातार हमारे साथ आधे घंटे के लिए बने रहिए। एरियाज ऑफ सर्कल्स किस तरह के, पूरे सर्कल को पहले समझिए, उसके बाद एरिया को समझिए। लेकिन इससे पहले मैं मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट वन में जो आपने पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज़ कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स पहले पार्ट को नहीं देख सके थे, पहला सेशन नहीं देख सके थे इस टॉपिक पर, उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए इस टॉपिक के बारे में। मैम जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि पार्ट वन में हमने जो भी डिस्कस किया था, पहले हम एक बार अपने व्यूअर्स के साथ ये ज़रूर डिस्कस करेंगे। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं। देन दे ऑल्सो स्टडी अबाउट वेरियस पार्ट्स एरिया ऑफ अ सर्कल, लाइक दे स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर of a circle. If we talk about that what we have discussed in our previous session, तो definitely हमने circle के various parts के बारे में discuss किया था. We have discussed what do we mean by diameter of a circle, circle की definition क्या होती है. Circle एक ऐसी shape है जो बहुत time से हम देखते आ रहे हैं, और अगर define करते हैं तो circle is basically the path which is traced by a point in a plane. And this point is definitely at a fixed distance from a given point, and that point is known as the center of the circle. We have discussed that what do we mean by the radius of a circle, what is the diameter of a circle, what is the circumference of a circle, and after that we also have studied about the sector of a circle. If we talk about the area of sector of a circle, before that ek bar dekh lete hain that what do we mean by the sector of a circle. A circle and its area between two of its radii and one arc, like this is one arc represented by its length is represented by L, and here is the central angle. Humne discuss kiya hai previous session mein that what do we mean by the central angle. Central angle is given by theta, r is the radius of the circle, and then what is the area of a sector. सेक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, वन इज द माइनर एंड द अदर इज द मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, दैट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल एंगल एंड डेफिनेटली द एरिया ऑफ द सर्कल विच वी नो इज पाई आर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। After this, we have discussed about that what do we mean by the segment of a circle. So segment is the area or region between a chord and an arc. अच्छे से जानते हैं that if we join any two points on the boundary of the circle, then the line segment joining these two points is known as the chord of the circle. And here is the arc ACB. If I take a point C on the minor arc, then we can see that this is the area shaded in pink color here, known as the minor segment. ठीक इसी तरह से जो area ज्यादा है major arc के along बना है, this is your major arc, this is known as the major segment. तो हमें समझ के आया है कि segment is the area between a chord
एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। देन सेंट्रल एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था दैट द एंगल मेड बाय एन आर्क बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। लाइक हियर वी हैव शोन द एंगल बी ए सी एज थीटा, दिस इज द सेंट्रल एंगल इन दिस फिगर। ऑल राइट, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में हमने डिस्कस किया दैट द लेंथ ऑफ आर्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क कैन बी री रिटन एज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। सो इट इज सेंट्रल एंगल डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, वेयर 2 पाई आर इज डेफिनेटली द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड इफ यू कैंसिल दिस 2 एंड 360 यू आर डेफिनेटली गेटिंग पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर वी जस्ट हैव डिस्कस्ड इट अगेन। अभी बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की अगर आप बात करेंगे डियर व्यूअर्स, देखिए फुल सर्कल जो है आपको पता है फुल सर्कल के लिए एरिया क्या होता है, दैट इज डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर। लेट अस राइट इट हियर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। और सर्कल में से अगर हम माइनर सेक्टर यानी कि इस सेक्टर जो डार्क ब्लू कलर में हमें यहाँ पर शेडेड दिखाई दे रहा है, सो अगर हम इस सेक्टर के एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया। सो बाकी जो कंप्लीट बच गया दैट इज डेफिनेटली नॉन एज द मेजर सेक्टर। और अगर हम कंप्लीट सर्कल में से माइनर सेक्टर को कट कर देते हैं उसके बाद जितना सेक्टर बचता है दैट इज योर मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, दैट इज डेफिनेटली भी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दैट इज क्लियर टू यू ऑल। सब्ट्रैक्शन करना हम सभी को आता है। अगर आपके पास 10 रुपीज हैं उसमें से 4 आपने खर्च किए तो 6 बचते हैं। ठीक इसी तरह से फुल सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया हमें पता है दैट दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री वेयर थीटा रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंगल मेड बाय द माइनर सेक्टर। ऑल राइट, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ दीज वी विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट द मेजर सेक्टर्स एरिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ही क्वेश्चंस की, जैसे कि सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये क्या है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8.4 सेंटीमीटर। सो इफ द डायमीटर इज 8.4 व्हाट इज द रेडियस, 4.2 दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर, लेट अस सपोज दैट एंगल टू बी थीटा, हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी कैलकुलेट करना है, जबकि हमें एक और चीज गिवन है दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। यानी हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है हमें एक बार ध्यान रखने की जरूरत है। कैलकुलेट कैसे किया था ये जानने के लिए यू शुड गो थ्रू द पार्ट वन ऑफ द सेम सेशन। सो लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन टू बी 2.8 पाई एंड लेंथ ऑफ आर्क इज पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 जो हमने अभी डिस्कस भी किया है विच इज गिविंग अस 2.8 पाई। द वैल्यू इज नॉट 2 पाई इट इज 2.8 पाई। फर्दर पाई कैन बी कैंसल्ड, आपके पास रेडियस भी है, इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस इन प्लेस ऑफ आर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड थीटा इज डेफिनेटली द सेंट्रल एंगल और यू कैन से एंगल ऑफ द सेक्टर। सो वॉट थीटा इज, थीटा इज 2.8 विच कैन बी रिटन एज 28/10। कैलकुलेशन पार्ट इज रियली वेरी इजी फॉर यू ऑल। सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑन कैंसिलिंग यू आर डेफिनेटली गेटिंग दैट 14 टाइम्स 2 इज 28, 14 टाइम्स 3 इज 42 एंड देन वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 120 डिग्री। दैट मीन्स दिस सेक्टर्स एंगल इज 120 डिग्री। अलॉन्ग विद इट आपके क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है विच इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, वी विल यूटिलाइज दिस वैल्यू थीटा
क्योंकि हमें पता है दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है. सो लेट अस ट्राई सॉल्विंग दैट. एरिया ऑफ सेक्टर इज डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 360 डिग्री. वी नो द एंगल्स वैल्यू इज 120, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर मीन्स 42 विल बी रिटर्न ट्वाइस 4.2 दैट इज 42 अपॉन 10. थीटा विच इज 120 डिग्री एंड 360 डिग्री इज ऑल्सो एट द डिनोमिनेटर. सो ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पार्ट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर. द सॉल्यूशन पार्ट इज रियली वेरी 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 इजी. टाइम्स 3 टाइम्स 2 एंड देन यू डू हैव 44 मल्टीप्लाइड बाई 42 होल डिवाइड बाई 100. दिस एज द एरिया ऑफ द सेक्टर. We should remember that the area is always written in units square, square units. All right, why square units? Because r square means whatsoever is the radius, if it is 4.2, then it is 4.2 centimeters square. So square unit will be used for finding the area. Okay, next question is there, and what the question is, hame bahut dhyan se observe karna hai. A horse is tethered to the corner of a field and the shape of the field is equilateral triangle. If the length of the rope with which the horse is tied is 7 meter, means this length, the length from point A to point P is given to be 7 meter. Find the area of the field cover which it can graze. हमें इतना एरिया निकालना है जितने एरिया तक ये हॉर्स जो है वो ग्रेज कर पाए, घास चर पाए. तो कैसे निकालेंगे? जितनी उसकी रस्सी की लेंथ है डेफिनेटली वो जितना एरिया कवर कर पाएगा, जितने एरिया में मूव कर पाएगा, दैट एरिया इज जस्ट गिवन बाय दिस एरिया ए पी क्यू. और हम देख सकते हैं दैट दिस ए पी क्यू इज प्रेजेंटिंग अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. All right. और एक और चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट एंगल इज नॉट गिवन टू अस, बट वी हैव बीन गिवन. लेट अस हाईलाइट दिस. वी हैव बीन गिवन दैट दिस ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, डेफिनेटली ईच ऑफ इट्स एंगल विल बी 60 डिग्री. हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल इन दिस ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जिस वजह से तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे. सो द एंगल, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय 60 डिग्री. फोर्स कितना एरिया ग्रेस कर पा रहा है वो हमें समझ आया. दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, नॉट द ट्राइंगल. ऑब्जर्व इट केयरफुली दैट द एरिया ए पी क्यू इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ ट्राइंगल. इट इज बेसिकली the sector of the circle and that too is the minor sector. So what is the area of this minor sector? Again pi r square, radius is represented by 7, means by the length of the rope, multiplied by theta divided by 360 degree. So on calculating this we will be able to find the answer ki wo horse jo hai wo kitne area tak graze kar payega, wo kitna area jo hai wo cover kar payega. The calculation is really very easy. So on solving this, we are able to get our final answer. इतना डिस्कस करने के बाद एक नया टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है ये हम सभी जानते हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट को कैसे निकालेंगे ये भी टफ नहीं है, क्योंकि अभी हमने सीखा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है. सो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, yes, that this complete is representing a sector AOB, or you can also say ACBO. This is the sector. और अगर आप इस sector में से triangle AOB की area को subtract कर देते हैं, तो जो area हमारे पास बचता है, that is basically the area of the segment which can be presented here by this green area. सो सिंपली हमें समझ आता है एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना है. एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी. नाउ द प्रॉब्लम इज कि ट्राइंगल एओबी का एरिया कैसे निकालें.
अगर हमें गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए ओ और ओ बी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास रेडियस है, अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल है, अगर हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज है, तो डेफिनेटली इस ट्राइंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए हम फोकस करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी निकालने के लिए फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर अ ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल में लेट अस टेक दी हाइट एज एपी। ऑल राइट, सो व्हाट इज द एरिया? हाफ इंटू बेस एबी इंटू हाइट ओपी। ओके, अगर हम ट्राइंगल ए ओ पी को ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स बेसिकली हमारा काम क्या है, अभी हमारे पास रेडियस है, वी डू हैव द वैल्यू ऑफ ओ ए, वी डू हैव द वैल्यू ऑफ ओ बी, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ना तो ए बी की वैल्यू है ना ही ओ पी की वैल्यू है। तो उसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं द राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी। ओके, इन दिस ट्राइंगल ए ओ पी लेट अस अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन कि इस ट्राइंगल में आई डू हैव द हाइपोटेन्यूज। डेफिनेटली अगर कंप्लीट एंगल थीटा है तो ए ओ पी ट्राइंगल के लिए जो एंगल है दैट विल बी थीटा बाय टू, क्योंकि ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी ये दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जिस वजह से एंगल ए ओ पी इज थीटा बाय टू। ओके, इतना जानने के बाद अब आप ऑब्जर्व करें दैट द फॉर्मूला फॉर यू जस्ट ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल ए ओ पी, लेट अस ड्रॉ इट अगेन हियर। दिस इज द ट्राइंगल ए ओ पी, दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा बाय टू, जिससे कि हमें समझ आता है कि यहाँ पर ये जो साइड है ओ पी, दिस इज वर्किंग एज द बेस एंड ए पी इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटन्यूस है ए ओ, हाइपोटन्यूस ऑलरेडी गिवन है आपको दैट इज इक्वल्स टू आर, और हम लिख सकते हैं ओ पी डिवाइडेड बाय ए ओ इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूस। आपको ध्यान होगा कि ये होता है कॉस ऑफ द पर्टिकुलर एंगल, बेस एंगल इज थीटा बाय टू, तो आपके पास वैल्यू ऑफ ओ पी इजीली कैलकुलेट हो रही है दैट इज आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई टू। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर वन, और इस इक्वेशन में अगर हम ए बी एंड ओ पी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद पुट कर देते हैं, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हेंस द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ऑल राइट, आफ्टर दिस लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पी। ए पी इज डेफिनेटली वर्किंग एज द परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल, क्योंकि बेस एंगल के अपोजिट जो साइड है दैट इज ट्रीटेड एज द परपेंडिकुलर इन ट्रिगोनोमेट्री। सो वी हैव दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ ए पी इज आर इंटू साइन थीटा बाय टू। एंड डियर व्यूअर्स, इफ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए पी, डेफिनेटली ए बी इज डबल ऑफ दैट, ए बी इज डबल ऑफ ए पी, सो यू कैन राइट दैट ए बी इज डबल ऑफ आर इंटू साइन थीटा बाय टू। ओके, सो व्हाट द एरिया ऑफ सेगमेंट कैन बी रिटन एज, लेट अस राइट इट हियर दैट एरिया ऑफ सेगमेंट is definitely area of sector minus half this half into the value of AB which is double of R into sine theta by 2 into the value of OP which is definitely R into cos theta by 2 which is showing that it is R square into sine theta by 2 cos theta by 2. So this is the area of a segment. All right, आपको बेस एंगल कुछ भी गिवन है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, वट सो एवर इट इज, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू विल बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट। बट डियर व्यूअर्स, कुछ एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे इस स्पेसिफिक केस में
बिफोर दैट लेट अस डिस्कस इट हियर ओनली. अगर आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, अगर आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, 90 और 60 कुछ भी हमें गिवन है, तो डेफिनेटली एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा. लेट अस सी दैट वंस अगेन केयरफुली, दैट इफ थीटा इज गिवन टू बी 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. लेट अस सी इट केयरफुली. यस, इफ थीटा इज गिवन टू बी 60 डिग्री, देन ऑब्जर्व आर ट्राइंगल केयरफुली. हम थोड़ी देर के लिए ये सब एक बार डिलीट करते हैं और 60 डिग्री पर फोकस करते हैं. यस, अगर आपको थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, दैट मींस ये एंगल जो है ये अगर 60 डिग्री हो जाता है, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स तो होंगे ही इक्वल, बिकॉज आर एंड आर बोथ आर इक्वल एंड दी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर ये दोनों एंगल्स भी हुए 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. यानी उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी ट्राइंगल ए ओ बी है, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड हियर द साइड इज गिवन बाय आर इटसेल्फ. सो इफ थीटा इज 60 डिग्री, आप डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है अप्लाई कर सकते हैं. इवन इफ यू विल अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री देयर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, देर इज नो प्रॉब्लम, बट यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट डायरेक्टली. लेट अस ऑल्सो डिस्कस कि अगर थीटा 60 डिग्री ना होकर 90 डिग्री हो जाता है, सो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी विल बी वॉट, 60 डिग्री नहीं है बल्कि 90 डिग्री है. चलिए देख लेते हैं. सो इफ थीटा इज 90 डिग्री, इन दैट केस डेफिनेटली ये जो ट्राइंगल है ये किस टाइप की ट्राइंगल बन रही है, इट इट सेल्फ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ आर इक्वल्स टू आर. इन दैट केस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैन डेफिनेटली डायरेक्टली बी अप्लाइड एज हाफ इंटू आर विच इज गिविंग यू हाफ आर स्क्वायर. All right, let us discuss a question. What the question is? It is find the area of the shaded region in the given figure. आप फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. आप देख सकते हैं कि यहां पर आर क्यू जो है दैट इज डेफिनेटली द डायमीटर ऑफ द सर्कल. वी हैव बीन गिवन दैट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर. हमें पी आर की वैल्यू भी गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस इज नॉट गिवन टू यू. तो अगर रेडियस ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? यू कैन थिंक ओवर इट. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज वाई आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो इफ आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन दिस आर पी क्यू दिस कंप्लीट इज द सेमी सर्कल, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन सिंपली से दैट एंगल आर पी क्यू इज ऑफ 90 डिग्री. एंड वाई इट इज 90 डिग्री, आपको बहुत अच्छे से पता है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल. ओके, सो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. आपके पास ट्राइंगल आर पी क्यू का एरिया निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आपको पता है दैट एंगल पी 90 डिग्री है, सो इट विल बी डेफिनेटली हाफ इंटू बेस 7, हाइट 24, क्योंकि बेस पी आर एंड परपेंडिकुलर पी क्यू गिवन है हमें. तो ड्यू टू विच यू आर एबल टू गेट दैट द एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट आपको एरिया इस ट्राइंगल का नहीं निकालना, आपको शेडेड एरिया निकालना है. और शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच यू जस्ट हैव कैलकुलेटेड एज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो
So from here you will definitely be able to get the area of the shaded region, but there is a question mark. आपको ये तो पता है कि area of semicircle होता है half pi r square. But where is this r? Radius is not given to us. So पहला काम हमारा क्या रहेगा? हम radius calculate करें. उसके लिए you will apply the Pythagoras theorem. You will be able to get value to get the value of qr. Which is definitely on solving this 625, which is definitely 25. So QR की value है 25, due to which radius is 25 upon 2, or you can say 12.5, and you will be able to get the area of the shaded region. Okay, this will be the last question for today, and what the question is? Calculate the area of the designed portion. हमें दिया गया है कि ये डिजाइन पोर्शन में दो क्वाड्रेंट्स को मिलाकर एक डिजाइन बना है, एंड फॉर बोथ ऑफ दीज द रेडियस ऑफ दीज क्वाड्रेंट्स इज 8 सेंटीमीटर ईच. और आप कह सकते हैं एक हैंकरचीफ है जिसकी हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है. अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं दोनों डिजाइन्स को और एक ही डिजाइन को हाईलाइट करते हैं. लेट अस गो फॉर दिस. Let us go for shading this particular thing. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप definitely देख पा रहे हैं एक quadrant. तो एक quadrant की वजह से, इस quadrant की वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है एक segment. आप एक segment का area निकाल कर अगर उसे 2 से multiply कर देंगे तो you will be able to get the area of the whole design. 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि अपोजिट साइड से भी सेम सेगमेंट ही बन रहा है. ध्यान रखने वाली बात ये है, दिस इज अ क्वाड्रेंट, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, रेडियस इज डेफिनेटली 8 सेंटीमीटर. वी नो दैट इफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन द एरिया ऑफ सेगमेंट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस. सो यू विल फाइंड दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, मल्टीप्लाई द सेम बाय 2 टू गेट द एरिया ऑफ द होल डिजाइन. यू विल बी देयर विद योर आंसर. So solve it and share your answers with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for giving this important process, telling our viewers and learners. I hope that this session is definitely will be useful for them. And before we winding up this session, I have an announcement for our learners, viewers. CIET and CERT is happy to announce the All India Children's Educational E-Content competition for this year. If you are a teacher, teacher educator, student or independent educational e-content creator, we invite you to send in your best e-content for the competition. For more details and the registration form, you can visit the activity section of our official website, that is www.ciet.ncert.gov.in. You can scan the QR code which is displaying on the screen. The last date for sending your entry is 10th of January 2024. इस अनाउंसमेंट को एक बार फिर से आपको बता दें हिंदी में. हमें आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि CIET NCERT इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है. यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं. अधिक जानकारी और प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया CIET की वेबसाइट देखें या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं. आप ध्यान रखें, प्रविष्टियाँ भेजने के लिए अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2024. और अब दीजिए अनुमति इस सेशन को समाप्त करने की और आपसे विदा लेने की. लेकिन अगला जो सेशन होगा वो क्लास 10th के लिए होगा. आप हमारे साथ बने रहिए और इसमें आप सोशल साइंस के अंतर्गत एग्रीकल्चर टॉपिक पर पढ़ेंगे. तो बने रहिए लगातार ही विद्या के साथ. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.